मित्रों, ड्रीम इलेवन में चाहे जितनी अच्छी आप यूनिक टीम बना ले, परंतु तो दोस्तों कुछ खास बात आपने नहीं जाना, कुछ खास जानकारी आपने हासिल नहीं किया, तो दोस्तों आपकी यूनिक टीम आपको बिल्कुल कुछ जिताकर दिलाने वाली नहीं है। तो दोस्तों शाम मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दोस्तों यहाँ गुजरात टाइटंस के बीच जो महामुकाबला है। इस मैच से पहले दोस्तों हम आपको कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिस बिंदुओं पर आपको अध्ययन करने की बिल्कुल जरूरत है। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतने का सपना है तो उस सपने को साकार करिएगा, और साकार कौन कराएगा? ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट मार्ट ऐसा चैनल है जो सपने को साकार कराता है, क्योंकि दोस्तों ड्रीम इलेवन दोस्तों ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट के खिलाड़ी इस समय दोस्तों आ रहे हैं कप्तान उप कप्तान बन रहे। आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हम आपको सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को दिलाते हैं विश्वास। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप लोग पूरी तरह से देख सकते हैं जो कल मैच हुआ है दोस्तों जीटी वर्सेस एमआई के बीच में, उसमें दोस्तों जसप्रीत बुमराह कप्तान और ए उमर जई वाइस कैप्टन बने थे, और वो हमारी ही टीम के खिलाड़ी थे दोस्तों। यहां पर आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग यहां पर देखिएगा संजय जूनियर लिखा हुआ है, और जो हम आपको टीम देते हैं वहां पर भी देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग सही सोचो किसी का स्क्रीन शॉट ले लिया है, तो यहां पर आप लोग यहां पर भी देख लेती है दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो हम टीम देते हैं वो किस नाम से टीम देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी तरह से देखा, आप लोगों को विश्वास हो गया होगा, मेरी ये दोस्तों राय है कि आप लोग विश्वास कर लिए होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे दोस्तों आप परिवार के सदस्य हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इस संपूर्ण जानकारी से पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर टॉस होने के बाद 10 से 12 मिनट में हम आपको टीम प्रोवाइड कर देते हैं। और दोस्तों इस संपूर्ण जानकारी से पहले दोस्तों मंगलवार का दिन है, अपने दोस्तों बजरंग बली बाबा को दोस्तों स्मरण करते हैं और उनसे प्राप्त करते हैं आशीर्वाद, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम ज्योतिष आंकड़े द्वारा आपको बताएंगे आपको किस प्रकार से दोस्तों विकेट कीपर लेना कर चलना है, किसको बैट्समैन लेकर चलना है, कितने ऑलराउंडर लेकर के चलना और कितने बॉलर लेकर चलना आपके लिए शुभ है। दोस्तों आप जिस भी इष्ट को चाहते हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी मनोकामनाएं 100% पूरी होने वाली है। तो दोस्तों बोलिए एक बार जय बजरंग बली बाबा की जय। और दोस्तों और चलते हैं देरी न करते हुए, हम आपको बताते हैं कि यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोग किस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपर की बात कर लेते हैं, तो जो 3-5 का आंकड़ा है ये दोस्तों आपके लिए बिल्कुल अशुभ है। दोस्तों 2 से 5 का आंकड़ा ये भी दोस्तों आपके लिए अशुभ है। तो दोस्तों यहां पर विकेट कीपर में जो आपका आंकड़ा है 2 या 3 का आंकड़ा, वो आपके लिए शुभ होने वाला है। आप दोस्तों 2-3 विकेट कीपर लेकर के बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों विकेट कीपर के बाद दोस्तों हम चलते हैं दोस्तों विकेट कीपर के बाद हम चलते हैं दोस्तों अब आते हैं बैट्समैन में। तो बैट्समैन में जो आंकड़ा है दोस्तों आपका, वो है दोस्तों यहां पर 4 से 5 बैट्समैन लेकर के जाते हैं तो आज लाखों रुपए आप विन करने के अधिकारी हैं। तो 4 या 5 बैट्समैन लेकर के बिल्कुल जाइएगा, लाखों रुपए विन कर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन पर जाते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में जो हमारा आंकड़ा है दोस्तों वो है 3 या 5 का। दोस्तों 3 या 5 ऑलराउंडर लेकर के जा सकते हैं, जो आंकड़ा आपके लिए शुभ है। और दोस्तों बॉलिंग सेक्शन पर जो हमारा आंकड़ा है दोस्तों वो है दोस्तों 3 या 4 का। राहु केतु आपके सामने होंगे, पर बजरंग बली का दिन है, मंगलवार का दिन है, आपका दोस्तों कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये दोस्तों हमारा दावा है। तो दोस्तों हमने संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा दी है, अब और चलते हैं। एक बार फिर से हम कहते हैं अपने अपने इष्ट देव का नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों और चलते हैं, अब देखते हैं आखिर ये मैच कहां होने वाला है। देखिएगा दोस्तों हम गुरु आंकड़े देख लेते हैं, मैच के आंकड़े देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं चेन्नई ने रिसेंट 5 मुकाबले में 4 मुकाबले विन किए हैं, वही दोस्तों जीटी ने 3 मुकाबले विन किए हैं।
दोस्तों दोनों ही टीम लाजवाब है, दोनों ही टीम अपना आईपीएल का पहला पहला मुकाबला जीत कर आई है। दोस्तों यहां पर दोस्तों ये मैच एमएस चिन्ना चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई पर होने वाला है। दोस्तों पिच दोस्तों आप देखते हैं दोस्तों पिच बैलेंस है, बेहतरीन पेसर्स को मदद मिलने वाली है, मौसम में बादल घिरे रहने की संभावना है। औसत रन दोस्तों 149 का है और लास्ट मैच में 13 विकेट गिरे हैं, जहां पेसर्स को 9 और स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं। इस लिहाज से देखते हैं तो ये पिच दोस्तों पेसर्स के लिए बहुत ही मददगार है। हिट टू हिट रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर 5 दोस्तों मैच खेले गए, जहां सीएचई ने 2 और जेटी ने 3 मैच जीता है। इस लिहाज से देखते हैं दोनों ही टीम दोस्तों इक्वल दिखाई देती नजर आती है। हम टॉपिक पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट 5 T20 डोमेस्टिक पैच के दोस्तों यहां पर लेकर के तो तादेश पांडे जो बॉलर है दोस्तों चेन्नई के 337 के साथ टॉप पर हैं, वही रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर 268 के साथ दूसरे स्थान पर, वही मुस्तफिजुर रहमान 256 के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। वही दोस्तों जीटी की तरफ से सुमन गिल दोस्तों जो अपने टीम का नेतृत्व करते 503 के साथ टॉप पर, वही ए उमर जई ऑलराउंडर है 460 के साथ दूसरे स्थान पर, और राशिद खान 238 के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब डीम टीम की बात कर लेते हैं तो आज जडेजा है तो 100% डीटी पर आए, अर्चना रविंद्र 80% आए, डेरिल मिशेल भी 80% आए। यहाँ दोस्तों एस जॉनसन है दोस्तों 100% आए, वही अयमर जोई दोस्तों 80% आए, और रिद्धिमान साधी दोस्तों 80% आए। अब रन का देख लेते हैं, रन के दोस्तों मुआफिक में कौन सा बल्लेबाज टॉप पर है, तो रन में आप लोग देख सकते हैं एस रिजवी है दोस्तों 145 रन के साथ टॉप पर है, रविंद्र जडेजा 102 के साथ दूसरे स्थान पर है, और ऋतुराज गायकवाड़ 98 के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। वही शुभमन गिल दोस्तों 345 के साथ दोस्तों पहले स्थान पर है, वही दोस्तों साई सुदर्शन 155 के साथ दूसरे स्थान पर, वही ए उमर जय 111 के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब विकेट पर चर्चा कर लेते हैं कि तादेश पांडे ने 10 विकेट झटके टॉप पर हैं, मुस्तफिजुर रहमान ने 9 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, वही दीपक चहर दोस्तों 6 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं, वही अयमर जई दोस्तों 9 विकेट के साथ टॉप पर हैं, राशिद खान के 6 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर, वही उमेश यादव 6 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। अब दोस्तों हम लोग बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ टॉप पर फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आते हैं दोस्तों, ओपनर बैट्समैन है, रचना रविंद्र दोस्तों सेकंड या थर्ड या फोर्थ डाउन आते हैं, और अजिंक्य रहाणे थर्ड डाउन आते हैं, यहां रिद्धिमान साध दोस्तों फर्स्ट डाउन आते हैं, उनके साथ दोस्तों सुमन गिल आते हैं, और साई सुदर्शन थर्ड से फोर्थ डाउन तक आ जाते हैं। दोस्तों हमने दोस्तों पूरी जानकारी आपको बहुत ही बारीकी से मुहैया कराई। अब दोस्तों एक एक बल्लेबाज की बात कर लेते हैं जो पहले मैच में खेले हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी देखिएगा डीटी पर आए हैं दोस्तों और 32 का औसत है, और डीटी पर आए हैं पहला मैच में। डब्लू साहब भी देखिएगा 100% डीटी पर आए, औसत पॉइंट मात्र 35 का है। और भी हम देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर बैट्समैन की करते हैं, सुमन गिल दोस्तों ये भी दोस्तों डीटी पर आए नहीं है, पहले मैच में डीटी पर नहीं आए दोस्तों, और औसत पॉइंट दोस्तों 46 है, और डीटी पर 46 पॉइंट के साथ भी नहीं आ पाए दोस्तों सुमन गिल। यहां पर आर गायकवाड़ देख लीजिए दोस्तों, ये भी डीटी पर नहीं आ पाए दोस्तों अपने पहले मैच में। यहां डेरिल मिशेल को देख लेते हैं दोस्तों, ये डीटी पर आए हैं, औसत पॉइंट 30 है, और ये डीटी पर आ गए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, और डेविड मिलर की बात कर लेते हैं तो ये भी दोस्तों डीटी पर नहीं आए, और औसत पॉइंट 25 का है। और भी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यहां पर देखिएगा साई सुदर्शन है, ये दोस्तों डीटी पर आए, 100% डीटी पर आए, औसत पॉइंट दोस्तों 58 है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं औसत पॉइंट 58 है। रहाणे देखिएगा डीटी पर आए हैं, और दोस्तों औसत पॉइंट दोस्तों 37 का है, और ये भी डीटी पर आए दोस्तों। आप चलते रहाणे के बाद वी शंकर दोस्तों डीटी पर नहीं आए, औसत पॉइंट मात्र 10 का है दोस्तों, और डीटी पर नहीं आए पहले मैच में। और रिजवी को देख लेते हैं दोस्तों, इस रिजवी को दोस्तों समीर रिजवी को, ये भी डीटी पर नहीं आए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से ये भी डीटी पर नहीं आए। ऑलराउंडर सेक्शन पर जाते हैं तो जडेजा को देख लेते हैं दोस्तों, जडेजा को देख लेते हैं, देखिए डीटी पर आए हैं, औसत पॉइंट मात्र 37 का है, फिर भी डीटी पर आए दोस्तों। यहां पर रचना रविंद्र को देख लेते हैं, ये भी डीटी पर आए हैं, औसत पॉइंट 76 का है, लाजवाब दोस्तों खिलाड़ी हैं।
वह एवं मर्दे दोस्तों उपकप्तान ही बने हैं। दोस्तों आप लोग देखा होगा उपकप्तान बने हैं एमआई वर्सेस जीटी के महा मुकाबले में। दोस्तों डीटी पर आए औसत 0.86 का है एवं मर्दे का। राहुल तेवतिया देखिएगा जीटी पर नहीं आ पाए, औसत 40 का है, फिर भी जीटी पर नहीं आए। दोस्तों यहां पर राहुल तेवतिया के बाद दोस्तों बॉलिंग सेक्शन पर जाए थे राशिद खान दोस्तों डीटी पर नहीं आए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं औसत 0.40 का है और दीपक चहल भी डीटी पर नहीं आए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान डीटी पर आ चुके हैं और दोस्तों अपनी टीम से टीटी पर आकर के कप्तान भी बने। औसत पॉइंट दोस्तों सबसे टॉप पर है 100.4 विकेट झटके दोस्तों पहले ही मैच में। और दोस्तों इसके बाद चलते हैं एम थिचाना भी दोस्तों डीटी पर नहीं आए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एम थिचाना भी डीटी पर नहीं आए और दोस्तों यू यादव देखिए डीटी पर आ चुके हैं दोस्तों 100% दो विकेट झटका है इन्होंने। औसत 0.52 का दो विकेट झटके हैं और डीटी पर आए दोस्तों। या टी देश पांडे भी दोस्तों डीटी पर नहीं आए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये भी डीटी पर नहीं आए। और इसके बाद दोस्तों ये जॉनसन को देख लेते हैं, ये जॉनसन को स्पेंसर जॉनसन ये भी डीटी पर आए। लाजवाब बॉलर है दोस्तों, बहुत ही सुंदर बॉलर है स्पेंसर जॉनसन, 56 का औसत है दोस्तों और ये डीटी पर आए। और इसके बाद दोस्तों आर साई किशोर भी दोस्तों डीटी पर नहीं आ पाए 39 पॉइंट के साथ। और यहां पर देखते हैं कोई बल्लेबाज नहीं, पूरी तरह से खिलाड़ियों को आपको बताया कौन डीटी पर आया कौन नहीं आया। अब यहां पर दोस्तों हम लोग दो प्रकार से टीम बनाएंगे, एक होगी सेफ टीम एक होगी रिस्की टीम। तो सेफ टीम की तरफ पहले जा रहे हैं डब्लू शाह को लेकर के। और यहां डब्लू शाह के बाद दोस्तों यहां पर देखते हैं डब्लू शाह है जीटी के दोस्तों, यहां पर सुमन गिल को ले लेते हैं, गायकवाड़ को ले लेते हैं और यहां पर क्या करते हैं हम दोस्तों यहां पर साई सुदर्शन को लेते हैं। दोस्तों सभी खिलाड़ी हमारे समझ में देविल मिशेल है और साई सुदर्शन है यहां पर दोस्तों जा रहे हैं दोस्तों, हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन खिलाड़ी जा रहे हैं। और यहां पर ऑलराउंडर में देखिएगा जडेजा को और रचना रविंद्र को लेकर के आप जा सकते हैं। हम रचना रविंद्र को लेकर जाएंगे और जडेजा को छोड़ देंगे अभी। और दोस्तों यहां पर आप जडेजा को ले लीजिएगा तो बॉलिंग सेक्शन पर एक कम हो जाएगा। यहां पर दोस्तों हम राशिद खान को ले लेते, एम रहमान को ले लेते और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहां पर दोस्तों यहां पर जॉनसन को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारी टीम तो सज चुकी है। अब बात आती कप्तान उपकप्तान बनाने की तो और चलते हाइएस्ट सिलेक्शन पर्सन का अगर कप्तान बनाते हैं तो लोएस्ट सिलेक्शन पर्सन का वाइस कैप्टन बनाएंगे। दोस्तों यहां पर दोस्तों रचना रविंद्र को हम दोस्तों वाइस कैप्टन बनाते हैं। हमें कप्तान किसको बनाना है तो दोस्तों और चलते हैं जडेजा को बना सकते हैं पर बिल्कुल नहीं। हम दोस्तों कप्तान किसको बनाएंगे तो इस जॉनसन को दोस्तों हम कप्तान बना सकते हैं। यहां पर चेन्नई के दोस्तों बना लिया है तो हम जीटी के दोस्तों यहां पर बनाएंगे तो जीटी के दोस्तों एस सुदर्शन को भी बना सकते हैं। इस सुदर्शन को दोस्तों बना करके चलते हैं, टीम को सेव कर देते। ये दोस्तों हमारी एक सेफ टीम रही। अब आप चलते हैं हम लोग रिस्की टीम बना लेते हैं तो एमएस सिंह धोनी के साथ चलते हैं। यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं गिल को दोस्तों यहां पर गिल और दोस्तों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के दोस्तों जाएंगे। दोस्तों गिल को लेकर ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के जाएंगे। यहां पर दोस्तों डेविड मिलर को लेकर सजते हैं, जैसे डेविड मिलर के साई सुदर्शन को लेकर के जाते हैं और यहां पर ले लेते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे इस रिजवी को ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहां पर दोस्तों आप गिल को भी ले लीजिएगा। यहां पर क्या करते हैं हम यहां पर दोस्तों जडेजा को ले लेते हैं और जडेजा के बाद दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, जडेजा के बाद एक और ले लेते हैं दोस्तों। यहां पर राहुल तेवतिया को ले सकते हैं आप, राहुल तेवतिया को या रचना रविंद्र को लेकर के जा सकते हैं और भी आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर दोस्तों राशिद खान को ले लेते हैं और दीपक चहर को, मुस्तफिजुर रहमान को और दोस्तों यहां पर युलदीप यादव है, टी डी मानते हैं, एस जॉनसन को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। बात आती है दोस्तों फिर से एक बार कप्तान उपकप्तान बनाने की तो चलते हैं दोस्तों कप्तान उपकप्तान बनाते हैं। इस बार दोस्तों जडेजा को दोस्तों कप्तान बनाते हैं तो दोस्तों वाइस कैप्टन किसको बनाए, जीटी दोस्तों बॉलर है एस जॉनसन है दोस्तों, उनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं दोस्तों, बना देते हैं और टीम को शेयर कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने दो प्रकार से टीम बनाई, आप लोगों को दिखा सकते हैं। दोस्तों पहली टीम 5-6 के रेशियो में, दूसरी टीम 7-4 के रेशियो में, आप लोग देख सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी और दोस्तों हमारी जानकारी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।